alaikum students. This is Educate Samra Ishad and you are watching gist of law. So welcome back to this channel and today our lecture is starting from sections fifteen to twenty of Civil Procedure Code nineteen zero eight. But before starting lecture, I request you all to please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for the latest updates. So let's move towards the lecture. टू जो हैं वो डिस्कस करते हैं, को. अब का क्या मतलब है वाजे है टेरिटोरियल जूरिस्टिक्शन का क्या मतलब है कि आपने जो अपना सूट फाइल करना है वो आपने किन हदूद तक करना है किस इलाके में करना है किस जगह पे करना है सबसे पहले हमारा सेक्शन फिफ्टीन है इसमें एक सिंपल सी बात बताई गई है कि एवरी सूट मतलब हर तरह का सूट जो है हर तरह का जो मुकदमा है सिविल नेचर का शेल बी अब शेल बी आ गया मतलब कि ये एक मैंडेटरी क्लास है ठीक है कि हर तरह का जो सूट है वो फाइल कहाँ पे होगा शेल बी इंस्टीट्यूट इन लोअर कोर्ट लोअर कोर्ट मतलब के जो निचली अदालत है वहां से स्टार्ट होगा अब इसका क्या मतलब है जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी कोर्स की हेरारकी है कि सबसे पहले हमारी जो आ, केस uh, है जो सूट है वो जाता है सिविल कोर्ट में उसके बाद जो अपील होती है वो जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और देन जो है वो जाती है हाई कोर्ट में लिहाजा आप जो अपना केस है डायरेक्ट आप अपना सूट जो हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते ताकि जो हमारी अपर लेवल की हैं उन उनपे ज्यादा बर्डन ना हो इसलिए जो सूट है वो सबसे पहले जाएगा लोएस्ट कोर्ट में उसके बाद जो वो आगे प्रोसीड करेगा इसके बाद हमारा सेक्शन 16 है सूट्स टू बी इंसटिट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट कि अगर तो सूट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो सूट वहां फाइल होगा जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएट है प्रेजेंट है अब यहां पर आगे कुछ सूट्स बताए गए हैं के अगर डिस्प्यूट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के बारे में है कि उसकी रिकवरी करानी है ठीक है विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट देन क्या होगा ऐसी सूरत में सूट उस कोर्ट में इंस्टीट्यूट होगा जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट है सिचुएट है इसके बाद पार्टीशन प्रॉपर्टी का बताया गया है कि अगर तो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है पार्टीशन करनी है देन भी वो सूट कहाँ फाइल होगा वो सूट उस कोर्ट में फाइल होगा इंस्टीट्यूट होगा जहां पर जहां पर वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सिचुएट है प्रेजेंट है इसके बाद है हमारा मॉर्गेज कि अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट बता दूं कि मॉर्गेज है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो फॉर uh, एग्जांपल अगर आपने किसी पर्सन से लोन लिया है और उस लोन के इवज उस लोन के बदले आप अपनी प्रॉपर्टी उस पर्सन को गिरवी रखवा देते हैं मॉर्गेज कर देते हैं तो आगे क्या होता है कि अगर तो आप उस मॉर्गेज डीड की वायलेशन करते हैं देन वो पर्सन जो होगा वो आपकी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है अच्छा इस चीज को हम कहेंगे उस उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेने को हम कहेंगे फोर क्लोजर यहाँ पे जो दो टर्म्स यूज हुई हैं फोर क्लोजर एंड रिडेम्पशन फोर क्लोजर का यही मतलब है कि अगर आप मॉर्गेज डीड की वायलेशन करेंगे तो देन क्या होगा वो पर्सन जो है जिससे आपने लोन लिया है वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है और रिडेम्पशन का मतलब है कि सेट ऑफ कर सकता है या फिर उसमें जो है वो कंपनसेशन की जा सकती है कम्पनसेट किया जा सकता है तो ऐसी सिचुएशन में भी जो सूट वहाँ इंस्टीट्यूट होगा जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद है या फिर इसके साथ साथ जहां पर काज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हुआ है वहां पर भी हो सकता है इसके बाद यहाँ पर दिया गया है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगर किसी पार्टी का कोई राइट right डिटरमाइन करना है देन भी वो केस वहां पर वो जो सूट होगा वहां इंस्टीट्यूट होगा जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएट है इसके बाद दिया गया है फॉर कंपनसेशन फॉर रोंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अब यहाँ पे दो बातें आ गई एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी आ गई उसकी अटैचमेंट और दूसरा आ गया पर्सनल रॉंग या फिर यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पर्सनल ओबीडियंस का यहाँ पर इन सूरतों में मसलन अगर किसी पर्सन के साथ असोल्ट हुआ है या फिर बैटरी हुई है ठीक है या फिर उस सूट में जो है किसी पर्सन के साथ किसी भी तरह का डेफामेशन वगैरह की गई है तो इन सूरतों में जो केस है वो कहाँ पर फाइल किया जाएगा वो तीन जगहों पर फाइल किया जा सकता है इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वो तीन सिचुएशन जगह कौन सी है एक तो वो जगह जहाँ पर काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है दूसरी वो जगह जहां पर जो डिफेंडेंट है वो रिजाइड कर रहा है रह रहा है और तीसरी उस जगह पर उस टेरिटोरियल ज्यूरिस्टिक्शन में भी वो के सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हो सकता है जहां पर डिफेंडेंट बिजनेस कर रहा है या फिर वर्क फॉर गेन कर रहा है इन तीन जगहों पर जो है वो सूट इंस्टीट्यूट होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन सिक्सटीन इसके बाद हमारा सेक्शन सेवनटीन है सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जूरिस्टिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट अब इसमें क्या बताया गया है वेयर सूट इज टू ऑप्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग सिंपली मैं आपको बताती हूं के सेक्शन 17 में यह पाया गया है कि अगर जो इमूवेबल uh, प्रॉपर्टी है वो सिचुएट uh, करती है बिटवीन विद इन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स ठीक है तो तब क्या होगा यहाँ पर फिर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी जो प्लेंटिफ है वो अपना सूट किसी भी कोर्ट में uh, जो है वो फाइल कर सकता है इंस्टीट्यूट कर सकता है उन दोनों कोर्ट्स में से जिन दोनों कोर्ट्स की जुरिस्टिक्शन में टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन में उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आ रही है इस के बाद हमारा सेक्शन एटीन है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ऑफ कोर्ट्स आर ये इसमें भी सिंपल सी बात बताई गई है कि अगर तो जो इमूवेबल uh, प्रॉपर्टी है वो अनसर्टेनिटी है किसी भी किस्म की या जो प्लेंटिफ है उसे पता नहीं चल रहा कि जी ये जो मेरी इमूवेबल uh, प्रॉपर्टी है ये किसकी जुरिस्टिक्शन में आ रही है किस टेरिटोरियल जूरिस्टिक्शन <coughs> में आ रही है देन क्या होगा तो वो फिर वो किसी भी कोर्ट में जो है जो नियरेस्ट उसकी कोर्ट होगी वहां पे जो है वो अपना सूट फाइल करेगा और वो कोर्ट क्या करेगी रिकॉर्ड रिकॉर्डमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और उस उसपे फिर जो है वो डिग्री वगैरह या जो भी उसका जो फैसला होगा वो विद इन दी लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जोरिस्टिक्शन देगी और उसके फैसले की जो है वो रिस्पेक्ट की जाएगी इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी इसके बाद सेक्शन 19 आ गया सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रोंग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी अच्छा सेक्शन नाइनटीन और सेक्शन ट्वेंटी में एक ही बात बताई गई है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर अगर किसी पर्सन के साथ कुछ रोंग हुआ है ठीक है उसके साथ कोई किसी ने उसको बीट किया है या फिर कोई डेफोमेशन हुई है उसके साथ कोई असॉल्ट बैटरी या ये चीजें हुई हैं तो देन वो जो सूट है वो कहाँ पर इंस्टीट्यूट कर सकता है वो सूट उन तीन जगहों पर इंस्टीट्यूट कर सकता है सबसे पहली चीज तो ये कि जहाँ पर काज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हुआ है ठीक है और दूसरा ये जहां पर डिफेंडेंट जो है वो रिजाइड करता है जो डिफेंडेंट है वो रह रहा है और तीसरी वो जगह जहाँ पर वो कैरीज बिजनेस के बिजनेस कर रहा है या फिर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन या फिर जहां पे वो वर्क फॉर गेन कर रहा है इन तीन जगहों पे जो सूट है वो इंस्टीट्यूट होगा इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इन केस ऑफ कंपनसेशन फॉर द रोंग अब सिंपली हमने जो सेक्शंस पढ़े हैं पंद्रह से लेके बीस तक ठीक है फिफ्टीन से ट्वेंटी उनमें सबसे पहले तो फिफ्टीन में हमने डिस्कस कर लिया कि जी एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन दी लोएस्ट ग्रेड ठीक है कि जो कोर्ट होगी लोएस्ट ग्रेड की वहां पे इंस्टीट्यूट होगा फिर हमने सिक्सटीन से लेके जो है वो ट्वेंटी तक हमने दो चीजें पढ़ी कि अगर तो केस है रिलेटेड टू दी इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो कहां पे कहांट्यूट होगा वो वहां पे, जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएट है वहां पर जहाँ पे वो प्रेजेंट है इसके बाद हमने पढ़ा मूवेबल प्रॉपर्टी और जो है वो किसी भी फॉर द दम्पनसेशन ऑफ रोंग या फिर जो है वो पर्सनल ओबीडियंस के बारे में हमने पढ़ा कि इन सूरतों में जो है वो केस कहां पर होगा इंस्टीट्यूट फाइल वो तीन जगह पे होगा पहला तो ये जहां पे काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है सेकंड जहां पे डिफेंडेंट जो है वो रिजाइड कर रहा है रह रहा है या फिर जहां पर डिफेंडेंट जो है वो अपना बिजनेस कर रहा है ये तीन चीजें जो हैं वो इन फेक्शन में बताई गई हैं थैंक यू सो मच